तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जैसे जलाधारी इधर है तो डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिवजी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना, शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिया मिला दिया, ना जल भरा, जल में कुछ आ गया उंगली डालकर निकाल दिया या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया। हमने पहले भी कथा में कहा है वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ, कौन सा बताया था, पारिजात, उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पर गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा, पारिजात का फल। पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है, आप वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार कर, कभी नहीं स्वीकार करेगा कोई देवता उस पुष्प को, कभी स्वीकार नहीं। और मैंने तेरे ही भर बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति, याद रखना बहुत पड़ जाए, बहुत पड़ जाए, चुकी नहीं रहा, आज शिवरात्रि है, पांच शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, पांच शिवरात्रि मात्र, पांच के बाद में फिर अपन बात करेंगे, तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि पांच शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला, पांच शिवरात्रि। बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है शिव जी को जल चढ़ाने वाला। बहुत अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते गुरु जी आप तो ना जाने कहां कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना, राम झारा देखा है आप लोगों ने, एक इतना बड़ा कलश होता है उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है उसको राम झारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी राम झारे से जल चढ़ाते हैं, राम उसमें क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना, जिसने तुमको अकल दिया ना शंकर भगवान को रात आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सब को राम झारे से जल चढ़ा चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल राम झारे से नहीं चढ़ते। उसका कारण यह है आप चढ़ाना है तो संगी से जल चढ़ा सकते हो, संगी से जल चढ़ा सकते मना नहीं, पर राम झारे से उसका केवल एक कारण है, राम झारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास, सीधा जल का पात्र लिया बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो पर आराम से बाबा को समर्पित कर, जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरु जी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए, शिव पुराण में कुछ भी नहीं लिखा,
तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा, कहीं लिखा है, अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, कि शिवपुराण में जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ, नहीं, शिवपुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना मेरे भगवान के दिल में निवास करती है, ये बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्र जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा, बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। आप समर्पित करें बेलपत्र की डंडी का मुख किधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ा, पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ा, फिर जल चढ़ा, वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली मात्र, उतना ही दूध लेकर उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना, केवल एक उंगली जो लग जाए और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है, सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाता है, चिपका देते हैं, दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे, थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना, वो दूध की एक बूंदी भी अगर आपने पांच शिवरात्रि कर लिया, पांच शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार, वो शिव ओगड़ी है, शंभू ओगड़ी है, दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है, आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, चढ़ाया। और जितने लोग विश्व के शिवरात्रि की कथा को सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनना, एक एक उपाय को, एक एक कही गई बात को ध्यान से लगाकर सुनना, बाकी का आपके शहर में जब आएंगे तब मिलेंगे और पर बात करेंगे, उसके लिए आप उसका स्मरण में जरूर रहेंगे, खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, एक व्यर्थ का खर्चा और दूसरी क्या है, व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों मनुष्य के जीवन को बेकार कर देते, ये दोनों मानव के जीवन को बेकार कर देते, व्यर्थ का खर्चा भी मानव जीवन को बेकार कर देता है और व्यर्थ की चर्चा भी मानव के जीवन को बेकार कर देती है। व्यर्थ का यदि खर्चा करोगे, व्यर्थ के खर्चे में अगर डूबोगे, व्यर्थ का खर्च करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं। और यदि शिवपुराण कह रही है व्यर्थ की चर्चा में डूबोगे ना तो भी तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होने वाला नहीं, फालतू का खर्चा मत करो और फालतू की जम के बोलो जरा चर्चा मत करो, ना तो हमें फालतू खर्चा करना है और ना हमें फालतू की चर्चा करना है। सीख देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत सारे अकल देने वाले मिलेंगे, कभी कह देंगे अपनी हेयर स्टाइल ऐसी कर लो, कभी कहेंगे ये वाला पार्लर अच्छा है यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वाला पार्लर अच्छा है वहां चले जाओ, कभी कहेंगे कि यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वहां चले जाओ, व्यर्थ का खर्चा नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा धन यदि तुम्हारे पास में अगर बच रहा है, थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास बच रहा है,
हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम दान कर दो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी मंदिर में दे आओ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी को ले जाकर दे दो। यदि तुम्हारे पास में थोड़ा सा धन बच रहा है तो इतना जरूर करो कि अपने ऊपर, खुद के ऊपर थोड़ा सा खर्च करना प्रारंभ करो, स्वयं की जिंदगी के लिए कुछ अच्छा करने का। अपने लिए जी थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करिए, थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करो अपने लिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, थोड़ा सा धन यदि तुम्हारे पास में बचे, थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास में बचे, स्वयं पे खर्च करो। और स्वयं पर खर्च करना किसको कहते हैं? स्वयं पर खर्च करना कहते हैं किसको? स्वयं पर खर्च करने का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे अच्छे कपड़े धारण कर लो, बहुत अच्छे आभूषण धारण कर लो, बहुत सिनेमा देख लो, बहुत ऊंची गाड़ियों में घूम लो, स्वयं पर खर्च करना इसको कहते हैं क्या? नहीं। जब थोड़ा पैसा, थोड़ा धन आपके पास में यदि बच रहा है, थोड़ा सा खर्च अपने ऊपर करना, मतलब थोड़े से धन को बचाकर किसी तीर्थ में जाकर, किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर, कहीं शिव महापुराण की कथा में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, ये अपने ऊपर खर्च करने के बराबर है। स्वयं को मत दो किसी से। आप एक रुपया भी दान नहीं कर सकते, मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दो। अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर। स्वयं के ऊपर खर्च करने से मतलब है कि भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाए, भगवान के भजन की ओर जाए, भगवत स्मरण की ओर जाए। एक कदम भी हम जब भगवान की ओर बढ़ाते हैं, एक कदम भी हम जब भगवान की ओर अग्रण्य होते हैं, हम तो केवल एक कदम चलकर भोलेनाथ जी की ओर जाते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ हजारों कदम चलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, एक कदम से नहीं। हजारों कदम से चलकर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा उग्रदानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी तुम्हारे द्वार तक पहुंच जाता है। व्यर्थ का खर्च मत करो और व्यर्थ की चर्चा मत करो। तो लेकर नहीं तो यहां तक शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया है पशुपति व्रत का कि एक बेलपत्री को हाथ के अंदर लेकर अपने हृदय से उसका स्मरण कर शंकर भगवान को अर्ध घुमाना। कैसा घुमाना है? अर्ध। अर्ध मतलब शिव जी को पूरा घुमा भी नहीं रहे हो। कितना घुमा रहे हो? केवल अर्ध, केवल अर्ध। शिव जी को केवल अर्ध घुमाकर आप अगर अपने हृदय से शंकर भगवान को वो बेलपत्र समर्पित करते हो तो शिव उसको आरती के स्वरूप में स्वीकार कर लेता है। यहां तक शिव पुराण कहते हैं। घर में कितनी बार आरती करते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जम के। दो बार, एक सुबह एक शाम। एक सुबह के समय आरती करते हो और एक शाम के समय आरती करते हो, दो बार आरती केवल। अब दो बार आरती करने में आप भगवान शंकर को, भगवान गणेश जी को,
माता पार्वती जी को, दुर्गा भवानी को, भगवान शालिग्राम जी को, भगवान लड्डू गोपाल जी को। तुम्हारे घर में जिस जगह पर तुम भगवान की आरती करते हो उस जगह पर सारे देवता विराजमान। किसी किसी का घर ऐसा होगा जहां पर सब देवता नहीं होंगे, फिर भी दो चार तो होंगे। फिर भी दो चार तो होंगे। जिस घर के अंदर सारे देवता विराजमान हैं, सभी देवी देवता जिसके घर के अंदर विराजमान हैं, आप प्रयास करा कर, प्रयास करना, आप भगवान शंकर की जब आरती उतारो तब प्रयास करना कि आरती का दीपक जब हम उठा रहे हैं उसके पहले हमारे हाथ में जो गरुड़ घंटी है उसका नाद प्रारंभ हो जाना चाहिए। गरुड़ घंटी का नाद प्रारंभ हो जाता है उसके बाद आरती का दीपक जब उठता है। घर के अंदर की बात है, बाहर मंदिर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम घर के अंदर की बात कर रहे हैं। जब घर में सारे देवता जहां पर विराजमान हो, देवी भी है, देवता भी है, कुल देवता भी है, पितर देवता भी है, ये देवता भी है, वो देवता भी है, सारे देवी देवता जब वहां विराजमान है, तब उस जगह पर आपको एक क्रम करना है कि घंटी का नाद पहले करना। कारण अगर किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है तो आप डायरेक्ट आरती उठाइए, घंटी बजाइए और चालू हो जाइए। पर घर के अंदर अगर सारे देवता विराजमान हैं, गणेश जी बैठे हैं, देवी जी बैठी है, पितृ देव बैठे हैं, गरुण देव बैठे हैं, वरुण देव बैठे हैं, सारे देवता देवी देवता उस मंदिर के अंदर बैठे हैं, तो आपको पहले गरुण की घंटी का नाद करना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जितने देवी देवता हैं घंटी की आवाज सुनते से ही उन देवताओं की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है और हम जब दीप उठाते हैं, आरती निहारना प्रारंभ करते हैं तो देवता हमको वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। वो देवता हमें वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र करा, भगवान शंकर का संवाद करा, शिव महापुराण का चरित्र करा। पशुपति व्रत करने वाले को दो नियम सबसे पक्के रखना चाहिए। अगर आप लोगों ने व्रत किया है तो उसके फल के लिए आपको ये कर्म करना पड़ेगा। एक महिला ने पत्र लिखा है, तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए, और उसमें आप लगे हो बहुत सालों से पीछे, चार साल, छह साल, पांच साल, तीन साल लगे, पीछे लगे रहो, उसमें क्या किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर जो मध्य वाली पत्ती होती है इस पे चंदन लाल वाला चंदन लगाकर एक श्वेत पुष्प सफेद पुष्प कोई सा भी ले सकते आप उसको रख कर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर केवल आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर नंदी का जो पांव होता है नंदी का जो एक पांव उठा हुआ होता है उसी क्योंकि नंदी को नंदी मत समझना, नंदीश्वर का मतलब ही शंकर है और शंकर का मतलब ही नंदीश्वर, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही मानना। नंदी का जो पांव ऊंचा होता है आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रख देना किसी भी शिवरात्रि, आज चाहो तो आज कर लो, बाद में चाहो तो बाद में, किसी भी शिवरात्रि, और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर आप जब दिल से उससे प्रार्थना कर कर आएंगे, दिल से जब आप उससे बोल कर आएंगे, दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे, बाबा दो या तीन शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा, आपको सफलता जरूर। शिव तत्व की पर विश्वास के अनुकूल हमने पहले भी कथा में कहा कि खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, अपनी मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना और कर्म के साथ में शंकर जी पर विश्वास भी पूरा करना। जब हम कर्म के साथ में विश्वास को लेकर चलते हैं, भरोसे को दृढ़ बनाकर चलते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म सफल जरूर होता है, फिर हम पीछे नहीं हटते। खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो, किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो खूब अच्छी पढ़ाई करो, किसी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो दिल से पढ़ो, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है शरीर की उससे ज्यादा पढ़िए और साथ में शंकर जी पर भरोसा करिए, विश्वास करिए, फिर वो एक बेलपत्री पर लगाया गया शेर उस पर भरोसा भी करिए।
एक आनंद का अनुभव होगा। कभी आपके जीवन में आप ये कभी मत सोचना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेरा ये काम नहीं हो रहा। कभी मत सोचो कि ये नहीं हो रहा। इतनी लगनता से काम करो, इतनी मेहनत करो, इतनी विद्या अध्ययन करो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना विद्या अध्ययन करो, इतनी मेहनत करो कि जो ठप दुकान है जो कभी नहीं चलती उसमें दिन रात मेहनत करो वो दुकान भी अपनी चल कर बने। कर्म करो ही नहीं और फल की इच्छा लेकर बैठ जाओ तो ये श्रेष्ठता नहीं। मेहनत करिए उसका फल जरूर मिलेगा, कर्म करिए उसका फल जरूर मिलेगा। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना कर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अवश्य उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। बस मेहनत में बल लगा। अब जितनी मेहनत तुम दुकान में कर रहे हो कमाने के लिए, जितनी मेहनत तुम बेटी के संबंध को पक्का करने के लिए कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम लड़के के लिए लड़की ढूंढने की कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम मकान बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम प्लाट खरीदने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रिश्तों को जोड़ने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कपड़ा बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम जेवर आभूषण बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कुछ सामग्री बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रोटी बनाने में कर रहे हो, उतनी मेहनत तुम्हारी उस परमात्मा को पाने के लिए भी होना चाहिए। क्यों मुझे मिलेगा वो मेहनत तुम्हारी मानना चाहिए। हमारे यहाँ के विधायक जी की धर्म पत्नी बैठी है, कलेक्टर साहब जी की माता जी बैठी हैं, और भी बहुत सारे अतिथिगण यहाँ बैठे हुए हैं, जजमान भी बैठे हैं, और इन सब अतिथिगणों से और सीहोर में भी जाकर पूछना, इतने सारे अतिथि हैं, इतने सारे बहुत सारे धनपति करोड़पति सब शहर के अंदर भी रहते हैं, कभी किसी से पूछना कि कुबेरेश्वर धाम की कोई पत्रिका, रुद्राक्ष उत्सव की कोई पत्रिका, कोई लेटर आपके पास में पत्रिका के रूप में कभी जिंदगी में आया है, पूछना कभी जाता है किसी के यहां कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उत्सव का कोई पत्र नहीं भेजा जाता। कारण शंकर के पास जाने के लिए पत्र की जरूरत नहीं होती, पात्रता की जरूरत होती। शिव के दरवाजे पर जा रहे हो और पत्र की जरूरत पड़े तो पात्रता कहां गई तुम्हारी? पात्रता तुम में है, मतलब तुम इतने विद्वान हो, तुम्हारी पात्रता इतनी प्रबल है कि तुम प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, भोलेनाथ को पाने के लिए पात्र बनकर उसके पास है। पत्र की नहीं पात्रता की जरूरत होना चाहिए। हमारे यहां बड़ी बड़ी पत्रिकाएं नहीं छपती हैं, हमारे यहां बड़े बड़े निमंत्रण पत्र नहीं छपते, बाबा के दरवाजे का बस केवल टीवी के माध्यम से हम आपको बोल देते हैं कि तुम्हारे मायके में आयोजन है और मेरी जीजियां पोटला बांध बांध के मायके आ जाती है। तुम्हारे मायके में आयोजन है, चलो तुम्हारा पिता बुला रहा है और भाइयों से कहते हैं तुम्हारे ससुर बुला रहे हैं आओ, बेटियों से कहते हैं तुम्हारा पिता है, बेटों से कहते हैं तुम्हारा पिता है आओ, उस पिता से अपने दिल की बात 7 दिन रहकर अपने मन की बात उससे कहकर जाओ। जब जमीन पर सोगे कंकर शंकर की भूमि पर शरीर में कष्ट पड़ेगा, शरीर में कष्ट पड़ेगा, और शरीर में कष्ट पड़ेगा, पांव दुख रहा है, पीठ दुख रही है, शरीर में कष्ट है, आप रात में करमट बदल रहे हैं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आप किससे कहें? जो कंकर पर सोए हो वो कुबेरेश्वर धाम का शंकर है, वो आपके दिल की आहा सुनकर आपको ठीक कर करते हैं। कुबेरेश्वर धाम का कंकर नहीं, वो शंकर है, आपके आहा सुनकर वो आपको ठीक कर भेजता। चुभ रहा है, चलने में चुभ रहा है, बैठने में चुभ रहा है, नहीं चुभ नहीं रहा, वो कष्ट को खींच रहा है।